गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और हम निकल चुके हैं बैरागढ़ से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लिए। और फ्रेंड्स, 5:20 पर हमने प्रवेश किया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे। और गाइज, मेरी सलाह है, जब भी आप भोपाल आओ, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का विजिट जरूर करना। सुबह के 5:30 पर हमने प्रवेश किया वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि खुलती है रानी कमलापति से निजामुद्दीन के लिए। बट हमें जाना है आगरा। हम अपने सीट पे बैठे, हमने ली कुछ तस्वीरें। तो चलिए, मैं मिलाता हूँ आपको अपने फ्रेंड से, वो भी विद फैमिली। हमारे साथ जा रहे हैं आगरा टूर पे। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए आगरा स्टेशन पर। बट अफसोस इस चीज का रहा कि हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस कोहरे के कारण पूरे 2 घंटे लेट हो गई। खैर, कोई बात नहीं, इसको भूल के आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, वो दूसरे कोच में हैं। वहाँ रुकते हम एक रेस्टोरेंट पे, हमने वहाँ पे फटाफट ऑर्डर किया, फटाफट जो भी मिला और फटाफट हमने खाना खाया। और हमने ऑटो वाला भैया को बोला, भैया अब जल्दी चलो। और ये पहुँच गए हम ताजमहल के लोकल मार्केट में। और ये इलाका पहुंचा, ये परिसर पहुंचा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से सामने जाते ही लेफ्ट तरफ टिकट काउंटर है, जहाँ हमें टिकट के लिए लाइन लगना था। तो हमने अपने महिला मंडल को कहा कि आप टिकट काउंटर पर लग जाओ, ताकि हम अपना लगेज क्लॉक रूम में जमा कर सकें। और हम पहुंचे हैं सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट। ये ताजमहल का मीना बाज़ार क्षेत्र हुआ करता था। उन ज़माने में यहाँ पर बाज़ारें लगती थी, जिसे मीना बाज़ार कहा जाता था। यहाँ पर दुकानें अलग अलग मोतियों के, कुछ जड़ीदार, कुछ हैंडक्राफ्ट, ऐसे कुछ दुकानें बहुत सारी लगती थी। और हम बढ़ते जा रहे थे शाही दरवाजे की ओर। और जैसे वहाँ पहुँचे, हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर जाने का टिकट लेना पड़ेगा। हमने टिकट लिया और ये वो टिकट है जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से हमें मिलता है कि ताजमहल में प्रवेश करने के लिए आपको इस टिकट की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक पहले नहीं था, मैं साथ एक बार और भी गया था तो उसमें ये टिकट नहीं था, लेकिन इस बार मुझे इस टिकट का सामना करना पड़ा। और हमने टिकट लिया, पर हेड 200 रुपीज़ है टिकट। टिकट लिया और टिकट लेकर के हम यहाँ पर इस सिक्योरिटी से वापस सिक्योरिटी चेकिंग करके ताजमहल के अंदर प्रवेश किया।
ये गाइड है, ताजमहल के सारे इतिहास को शब्दों में बयां कर रहे हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सेंटर और लेफ्ट है। आप